गुड इवनिंग नमस्ते कैसे हैं सब लोग सभी को नमस्कार आ, ये लाइव क्लास में ले रहा हूँ इसमें बहुत सारा डाउट है वो भी क्लियर कर दूंगा डाउट ये रहता है कि ऑडिशन क्या दोबारा दे सकते हैं ऑडिशन नहीं दिए हैं सेंटर दूर है छूट गया है तो क्या दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं ये सारे डाउट हम लोग क्लियर करेंगे स्क्रीन साउंड सब क्लियर है कोई डाउट है तो बताइए चलो सभी को गुड इवनिंग बहुत सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं धीरे 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 सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे देखेंगे और केबीसी हॉट सीट के लिए एक बुक निकाली है स्पेशली 500 सौ क्वेश्चन वाली वो जो लेना चाहे ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन में है लिंक और बाकी यूनिक फैक्ट्स भी देखेंगे हम लोग ठीक है ओके okay. तो जिन्होंने ऑडिशन दे दिया है वो दोबारा ना दे नहीं तो डिस्कवालीफाई हो जाएंगे कुछ लोग तो टर्म्स कंडीशन दिखाते हैं कि ये टर्म्स कंडीशन में लिखा है लेकिन ये लिखा हुआ है कि आपको डबल नहीं देना है जो आप पहला दोगे वही कंसिडर किया जाएगा ठीक है तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान देंगे डबल देके अपने आपको डिस्कवालीफाई मत कर लेना ठीक ओके दूसरी बात आती है कि आपका वेन्यू ऑडिशन सेंटर दूर है आप नहीं जा पाए और आपको अगर दो कॉल आई है दूसरे नंबर पर तो आप मेल कर सकते हैं कुछ लोगों का मेल को कंसिडर किया गया है और मेल करने पर रिप्लाई आ रहा है और इवन आपके पास जो सेंटर है वहां जा सकते हैं जो आगे है कि आने वाली डेट्स है ना वो सेंटर पे जा सकते हैं रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई हमारा वहाँ कुछ कारण से छूट गया था तो हमको प्लीज यहाँ देने दिया जाए तो उनको देने दिया जा रहा है इतना ऐसा कठिन नहीं किया कि बीसी के नहीं दे सकते हैं लेकिन सबके लिए नहीं है कुछ लोगों के लिए अगर जेनुइन रीजन है तो बिल्कुल जैसे छोटे बच्चे हैं कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो गया नहीं पहुंच पाए ट्रेन लेट फ्लाइट कैंसिल हो गई कुछ हो गया तो उन लोग कंसिडर कर रहे हैं देने दे रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल इसको कर सकते हो ये दो चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग ठीक है किसी को कोई डाउट यहां तक जो मैंने बताया स्क्रीन साउंड सब क्लियर है ना पक्का ना ओके सभी को नमस्कार तो दोबारा ऑडिशन नहीं देना है याद रखेंगे दोबारा नहीं देना दोबारा देके फंसना नहीं है ठीक है एक बार दे दिया हो गया और दूसरी बात यह है कि अगर किसी का छूट गया है या कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो मेल कर सकते हैं मेल का कभी कभी रिप्लाई आ रहा है नहीं है तो आप उस सेंटर पर पहुंच जाइए सुबह और टीम से बात करिए कि आपका ग्राउंड ऑडिशन मुंबई में था दिल्ली में था लेकिन छूट गया तो आपको देने मिल जाएगा मिल सकता है आपका अगर जेनविन कंडीशन हो तो कई लोगों की फ्लाइट बस ट्रेन मिस हुई है सो so, आप देख लीजिए ओके ठीक है और हम लोग अभी वो भी देखेंगे जो नई बुक मैंने निकाली है उसके कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे सैम्पल के तौर पर ओके okay. उसको भी देख लेंगे थोड़ा और फिर नॉर्मल uh, जो क्वेश्चंस हैं वो भी कर लेंगे हम लोग ठीक यहां तक कोई डाउट है जी भोपाल लखनऊ दिल्ली सभी जगह एक ही टीम है जी 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 टीम वही रहती है जैसे मान लीजिए मुंबई और दिल्ली में ऑडिशन हो रहा है तो मुंबई में जो टीम रहेगी वो तीन दिन सेम रहेगी दिल्ली में टीम तीन दिन सेम रहेगी फिर वही टीम उठ के जाएगी अमृतसर फिर आगे जाएगी वडोदरा कोलकाता ओके ठीक है चलो आज और यूनिक यूनिक क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत मजा आएगा जो हमारे बुक के भी कुछ पार्ट के हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो भी है दोनों चीज को हम लोग देखेंगे ओके? ठीक चलो स्टार्ट करें फर्स्टस्ट फिंगर की कॉल जून एंड में आ सकती है पंद्रह बीस जून के बाद से ठीक और जिन लोगों का कुछ भी नहीं हुआ है आई I मीन mean, जिन लोगों को लगता है कि हमको ग्राउंड ऑडिशन की कॉल नहीं आई कुछ नहीं हुआ ये सब दिक्कत है तो वेट करो सुनने में आ रहा है बिग पिक्चर भी आने वाला है तो हो सकता है बिग uh, पिक्चर आ जाए ओके okay? तो आप लोग तैयारी करिए बिग पिक्चर की भी और दूसरा रास्ता प्ले लॉन्ग के जरिए भी जा सकते हैं आप लोग ठीक है ओके ये चीज का ध्यान रखेंगे है ना? चलो स्टार्ट करते हैं यूनिक यूनिक क्वेश्चंस हाई लेवल के चलो चालू करें शुरुआत करें देखिए ये इमेज है पुरानी है थोड़ी सी इसमें क्या है ध्यानचंद है ट्रेनिंग दे रहे हैं ठीक है लड़कियों को सबसे राइट साइड में पीछे तरफ कौन खड़ा है वो बहुत यूनिक है वो क्वेश्चन सबसे राइट साइड में पीछे तरफ राइट साइड में जो खड़े हैं वाइट ड्रेस में ये ध्यानचंद जी ट्रेनिंग दे रहे हैं हॉकी टीम को वुमेन्स हॉकी टीम को सबसे राइट साइड में कौन खड़े हैं राइट right साइड में जो महिला खड़ी उसका मैं पूछ रहा हूं ठीक है और उसके नाम यूनिक रिकॉर्ड भी है ओके okay, किसी का आंसर नहीं आ रहा ज्यादा ही कठिन हो गया क्या <laughs> दो अलग अलग मोबाइल पर ग्राउंड वेन्यू मैसेज आया नहीं दे सकते डिस्कालीफाई हो जाएंगे एक ही देना है जो दोगे उसके बाद फिर दूसरा नहीं देना है ठीक है ये चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग इसमें कोई गड़बड़ नहीं चाहिए गड़बड़ करोगे तो दिक्कत हो जाएगा आप लोगों के लिए ओके okay, कोई आंसर नहीं थे पर ज्यादा कठिन हो गया कि चलिए नाम एम से स्टार्ट होता है मैं बता देता हूं आंसर ही नहीं बता पा रहे ज्यादा कठिन क्वेश्चन पहले ही क्वेश्चन इतना टफ हो गया <laughs> चलो ठीक है इनका नाम है मैरी डिसूजा आपको बता देता हूं मैरी डिसूजा का पूरा गूगल सर्च मारिए बहुत सारा फैक्ट मिलेगा मैरी डिसूजा खड़ी है पीछे तरफ ओके ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन आगे लगता है बिग पिक्चर दोनों आर्य साहु का आ, सही आया मैरी डिसूजा ओके ये आंसर इसका मैरी डिसूजा की खास बात यह है कि वो हॉकी भी खेलती थी और वुमेन्स हंड्रेड मीटर और टू हंड्रेड मीटर में भी पार्टिसिपेट की थी ठीक है इनकी उम्र लगभग नब्बे साल है ओके एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट की है ठीक है ठीक ओके मैरी डिसूजा चलो आगे बढ़ते हैं वेक फिट नाम की एक बेंगलोर में एक स्टार्टअप है कंपनी है वेकफिट नाम है उन्होंने अभी कुछ दिन पहले जो 2016 में बनी है इस कंपनी ने एक नया चीज चालू किया अपने एम्प्लॉयज के लिए अपने जो काम करते हैं लोग उनके लिए एक नया यूनिक चीज चालू की क्या यूनिक चीज चालू किया है वेकफिट कंपनी जल्दी करिए लगता है कोई आंसर नहीं दे पा रहा है चलिए डी अनबॉक्स का है आंसर राइट टू नेप बिल्कुल सही आधा घंटा बोलती है कंपनी की आप आराम करो आधा घंटा सो जाओ वेक फिट कंपनी क्या बोलती है आधा घंटा सो जाओ आधे घंटे का सोने का अलाउ करती है ठीक है शादी से रिलेटेड वाली वो अलग कंपनी है।, <laughs> है।, है वो दूसरी कंपनी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं वो कंपनी अलग है जो मैंने पिछले बार क्वेश्चन में बताया था वो अलग कंपनी है वो कंपनी का नाम था एस एम आई एस एम आई कंपनी है जो अपने एम्प्लॉयज के बीच में शादी करवाती है वो अलग कंपनी है और वेक फिट नाम से सुनिए वेक फिट उठो तो ये जो कंपनी है ये क्या बोलते हैं कि आधा घंटा सोने के लिए अलाव है ठीक है ओके आगे बढ़ू ओके ये कौन है पहचानो ये कौन बच्चा है ऐसे बहुत सारे मिक्स टाइप के क्वेश्चन सब बुक में डाले गए हैं उसमें लिखा लिखा है इमेज के साथ मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ बहुत सारे यूनिक क्वेश्चन बुक में डाले हुए ठीक है जिनको लगता है बहुत अच्छा गया ऑडिशन तो जरूर पढ़ना ठीक है चलो आ गया सही आंसर डी अनबॉक्स का सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर के बचपन की फोटो ठीक है ओके सचिन तेंदुलकर आगे बढ़ता हूँ मैं स्पीड से ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ वर्ल्ड हेल्थ की मैगजीन पर डैश इज डेड लिखा था इसका आंसर स्मॉल पॉक्स हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं ठीक है ओके इसका आंसर आएगा स्मॉल पॉक्स चलो आगे बढ़ते हैं अब मैं एक यूनिक फैक्ट बता रहा हूं सुनिए और उसको नोट कर लीजिएगा ठीक है एकदम यूनिक फैक्ट सात हिंदुस्तानी मूवी अमिताभ बच्चन की मूवी है थी सबको पता है ओके ठीक है तो अब ये फैक्ट आप मैं आपसे पूछ रहा हूं इसके ना दो आंसर है साथ हिंदुस्तानी में अमिताभ बच्चन का रोल सबसे पहले किसको दिया गया था कि, किसको ऑफर किया गया था वो रोल यहाँ पर दो आंसर आते हैं ठीक है ये क्वेश्चन बन सकता है ओके okay. साथ हिंदुस्तानी में अमिताभ बच्चन का रोल किसको दिया गया था पहले हेलो आदित्य जी किसे दिया गया था दो आंसर आते हैं ओके okay, चलो आंसर में बता देता हूँ जानकर हैरान हो जाएंगे दो आंसर आते हैं सबसे पहला आंसर आता है मैं लिख रहा हूं टीनू आनंद ये पहला आंसर है अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग बताया जाता है तीनू आनंद को ऑफर किया गया था रोल और दूसरा आंसर है अभी जो कुछ समय पहले संतूर वादक जिनकी मृत्यु हुई वो है आंसर अब वो कौन थे सबको पता है एक आंसर आता है टीनू आनंद कुछ जगह पर फैक्ट में तीनों आनंद बताया गया अमिताभ बच्चन का साथ हिंदुस्तानी जिनकी मृत्यु हुई इन दोनों को ऑफर किया गया था एक जगह पर बताया जाता है कुछ सोर्सेज में कि शिव कुमार शर्मा को भी ऑफर किया गया और एक जगह पर बताया जाता है कि तीनू आनंद को तो नोट कर लीजिएगा ठीक आनंद शिव कुमार शर्मा ओके? नमस्ते सभी को ठीक है ध्यान रखेंगे दो आंसर कई कई क्वेश्चन के दो दो आंसर रहते हैं इतना डिटेल में रिसर्च करने के बाद इसलिए बता रहा हूं मैं कई जगह आपको टीनू आनंद भी मिलेगा सही और कई जगह पर मिलेगा आपको शिव कुमार शर्मा तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे ठीक है ओके शिव कुमार शर्मा ठीक चलो आगे बढ़ता हूं मैं ये कौन है इजी क्वेश्चन उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा इनके गले में मफलर है हमेशा ये ये ब्राउन कलर का ही क्यों पहनते हैं ये मेन क्वेश्चन है ये कौन है ये तो ऐसे ही क्वेश्चन है नमस्ते अरुन्धति जी श्रीलंका के पीएम ओके okay. क्या नाम है इनका और ये लेकिन ब्राउन कलर का क्यों पहनते हैं ये बताएं है. चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूं महिंदा तो बिल्कुल सही है इसका एक्चुअल आंसर बता देता हूं। मिलेट मिलेट क्या होता है जानते हैं ना मिलेट का जो पौधा रहता है उसके नाम से ठीक है मिलेट यानी बाजरा बाजरे दिट्टा गाना है ना ओके जब ये बने थे उसके पहले जिस पार्टी के हैं उनके जो फाउंडर रहे हैं वो ब्राउन कलर को पहनते थे ठीक है वो कहां से आया है मिलेट से मिलेट यानी बाजरा बाजरे का पौधे से रिलेटेड है ठीक है ओके मिलेट का जो वो रहता है ना वो ब्राउन कलर का रहता है इसीलिए ठीक याद रहेगा ओके ठीक है चलो आगे बढ़ू हर चीज के पीछे कहानी है कहानियों के पीछे कहानी ये इंग्लैंड में बड़े बड़े बिल्डिंग के घर हैं लेकिन इसमें खिड़कियां नहीं है क्यों यूनिक यूनिक क्वेश्चन कहां कहां से छाट के लाए बहुत अच्छा लग रहा है इंग्लैंड के कुछ घर हैं पुराने घर बिल्डिंग इसमें देखिए खिड़कियां नहीं है एक आदमी ही खिड़की दिखेगी सब क्वेश्चन नोट करते जाना भाई सब क्वेश्चन नोट करो इंपॉर्टेंट और ऐसे ही सब क्वेश्चन हमने बुक में भी डाले हैं बता देता हूँ ठीक है चलिए आंसर सुन लीजिए आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लॉजिक लगाएंगे ना तो बिल्कुल आंसर आ जाएगा विंडो टैक्स पहले इंग्लैंड की गवर्नमेंट क्या करती थी विंडो टैक्स लगाती थी अगर आपको सूरज की रोशनी मिल रही है किसी खिड़की से ठंड का मौसम रहता है वहां तो विंडो टैक्स लगाया जाता था ठीक है इसीलिए लोग अपने खिड़कियों पे पूरा ईटे की दीवार बना दिए याद रखेंगे ओके विंडो टैक्स लगाया जाता था इंग्लैंड में और इसी को कहा जाता था डे लाइट रॉबरी दिन दहाड़े लूटना यहीं से आए है ओके यहीं से शब्द आता है डे लाइट रॉबरी दिन दहाड़े लूट जो बोलते हैं ना जो शब्द है हमारा डे लाइट रॉबरी डे लाइट रॉबरी ये यह शब्द यहीं से आए विंडो टैक्स से क्योंकि तो इंग्लैंड के गवर्नमेंट के पास उस समय उतना पैसा नहीं था वो सोची वो, कैसे लोगों से ले तो जिनके घर पे खिड़कियों तो उन्होंने खिड़कियों में ही ईटे लगा दिए विंडो टैक्स उसी साइड डेलाइट रोबरी दिन दहाड़े लूटना ठीक है ओके याद रखेंगे जी स्नेहल जी आपको बुक चाहिए थी ओके वो नंबर दिया है उसमें कांटेक्ट करिएगा उसमें आपको बुक का लिंक मिल जाएगा ठीक चलो आगे बढूं मैं ओके ये तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है इसका अभी हैप्पी नर्स डे था अब दो चीज मैं आपको बताता हूँ ये भी यूनिक क्वेश्चन है फ्लोरेंस नाइटेंगल और उनकी ब्रा... बहन का नाम था फ्रांसिस पार्थिनो वर्ने ठीक है उनके नाम के पीछे एक यूनिक पैटर्न है उनका नाम रखने का कुछ एक तरीका था उनके माँ बाप ने उनका नाम कुछ कारण से रखा है क्या कारण क्या चीज था वो ये पूछा जा रहा है जब भी हम पढ़ते हैं उसके बारे में कुछ हम देखते हैं तो उसकी पूरी डिटेल्स जान लेते हैं तब वो क्वेश्चन बन जाते हैं स्पीड साउंड स्क्रीन क्लियर है सर बीच में थोड़ा नेट गया था फ्लोरेंस नाइटेंगल और उनकी बहन फ्रांसिस ने उनके नाम के पीछे कुछ कहानी है ओके साउंड स्पीड स्क्रीन क्लियर है ओके जगह का नाम है फ्लोरेंस नाम की एक जगह है ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि फ्लोरेंस इनमें से किसका नाम एक जगह के नाम पर फ्लोरेंस नाम की एक जगह है जगह है और उनकी बहन का नाम पार्थिनोप जो है पार्थिन वो भी एक नाम की जगह है ठीक है वो जगह के नाम पर है ओके याद रखेंगे ठीक है स्पीड साउंड स्क्रीन क्लियर है ओके है कोई कंफ्यूजन ठीक ओके नोट कर लीजिएगा फ्लोरेंस नाम के एक जगह है और उनकी बहन के जो भी नाम है फ्रांसिस बर्ने वो भी एक जगह के नाम पर है तो आप उसको सर्च कर लीजिएगा ठीक है ओके चलो आगे बढ़ता हूं मैं ये तीनों के टीशर्ट में क्या नंबर है जिसको ब्लैंक किया गया है बहुत यूनिक क्वेश्चन है हाई लेवल क्वेश्चन है ये और इस पे दो चार क्वेश्चन और बन सकते हैं जल्दी जल्दी आंसर दीजिए क्वेश्चन बहुत सारे हैं मेरे पास बहुत सारे हैं डबल ऑडिशन कोई नहीं देगा डिस्कालीफाई हो जाएंगे और जिनका ऑडिशन छूट गया है नहीं पाए दूसरे सेंटर पे जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं मेल भी कर सकते हैं और कर सकते हैं ठीक है तो मौका मिल सकता है जाने का चलिए इसका आंसर आएगा इन्होंने जर्सी नंबर जीरो पहना था जीरो जर्सी जीरो जीरो ठीक है जीरो जर्सी ये जो मैंने ब्लैंक किया है वो आंसर आएगा जीरो कुछ कुछ क्रिकेटरों ने अपने खेलने के समय जीरो जर्सी का इस्तेमाल किया था डबल जीरो ठीक है एक वजह से हर्षल गिप्स भी आते हैं जीरो जीरो इस्तेमाल करते थे कभी कभी और क्रिस गेल 333 का इस्तेमाल करते थे ट्रिपल थ्री क्योंकि उन्होंने एक बार 333 रन बनाए थे श्रीलंका में ठीक है तो ऐसा है ये कहानी याद रखिएगा जीरो जीरो बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं तो ये जो फोटो तो मैंने डाली थी श्रीलंका खिलाड़ी हर्षल गिप्स है श्रीलंका के हैं फिर ये आयरलैंड के हैं तो जीरो जीरो, जीरो जर्सी इस्तेमाल करते थे ठीक है ओके आगे बढ़ू हाँ ये नोट कर लीजिए ये तो सारे जगह पर आया है थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है बट ये नोट कर लीजिए पहला बॉल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में जो इंटरनेशनल बॉल की बात करें भारत की तरफ से टेस्ट में किसने पहला बॉल डाला था मोहम्मद निसार ने ओडीआई हिस्ट्री में भारत की तरफ से किसने डाला था आबिद अली ने और ट्वेंटी इंटरनेशनल क्रिकेट में किसने डाला था जहिर खान ने और बॉल की स्पेलिंग थोड़ी गलत आ गई है बॉल वाली ओके इसको नोट कर लेंगे सब नोट कर लीजिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो स्पोर्ट्स के दीवाने उनके लिए ये फैक्ट हमें नमन जी ने भेजा था नमन दास जी ने बहुत ख़तरनाक स्पोर्ट्स उनका बहुत अच्छा है चलो आगे बढ़ू ओके नोट हो गया पहली बॉल डाली तो मोहम्मद निसार ने टेस्ट में आबिद अली वनडे की बात कर रहा हूं जहीर खान टी ट्वेंटी की ठीक ओके चलो आगे बढ़ता हूं आ, ये किसी के सिग्नेचर हैं जो भोपाल एयरपोर्ट पर हैं। पहली बात तो इसमें जैसे अलग अलग बारह लाइंस में है ये किसी के सिग्नेचर है किसी खास महान व्यक्ति के और भोपाल एयरपोर्ट पर है ये किस व्यक्ति के सिग्नेचर है ये उनके अलग अलग लैंग्वेज में बारह सिग्नेचर्स ठीक है बहुत ही फेमस व्यक्ति भारत के चलो गांधी जी बिल्कुल सही महात्मा गांधी 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 बिल्कुल सही सबका आंसर से महात्मा गांधी के सिग्नेचर है भोपाल एयरपोर्ट पर एक जगह लगा हुआ याद है याद रखिएगा भोपाल एयरपोर्ट पर ठीक है परफेक्ट आंसर महात्मा गांधी ये छह लोगों की जवानी की फोटो है यं, यंग एज की फोटो है इनके बीच में क्या कॉमन है हेलो प्रतीक्षा जी जी बिल्कुल सही इन्होंने सबने जेम्स बॉन्ड का रोल निभाया था बिल्कुल सही चलो आगे बढ़ते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं किस कंपनी ने नासा से कॉन्ट्रैक्ट लिया है फोर जी टेलीकॉम नेटवर्क बनाने का चंद्रमा पर मून पर कौन सी कंपनी फोर जी टेलीकॉम नेटवर्क लाएगी मून पर चांद पर हाई लेवल क्वेश्चन है ऑप्शन है सोनी एरेक्शन वेरेजोन और नोकिया चलिए इसका आंसर है नोकिया बिल्कुल सही नोकिया कंपनी नासा से कॉन्ट्रैक्ट लिए कि फोर लगाएगी मून पर फोर लाएगी मून पर ठीक ओके आगे बढ़ते हैं किस कंपनी ने लॉन्च किया ये सैनिटाइजर वायरो प्रोटेक वायरो प्रोटेक ऑप्शन है एशियन पेंट्स एमआरएफ एससी जॉनसन एलएनटी वायरो प्रोटेक्ट हैंड सैनिटाइजर किसने लॉन्च किया है एशियन पेंट्स, ओके? एशियन पेंट्स है इसका आंसर परफेक्ट है डी एन बॉक्स का एशियन पेंट्स ओके आगे बढ़ते हैं किस कंपनी ने डिजाइन किया भारत का पहला The Regional Rapid Transit System, RRTS. The Regional Rapid Transit System, DRDO Siemens Alstom HAL. HAL. क्योंकि अभी दिल्ली मेरेट रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम बन रहा है लगभग बयासी किलोमीटर का तो इसका आंसर आएगा एलस्टोम एलस्टोम आएगा इसका आंसर ओके अगला क्वेश्चन एक रेस्टोरेंट की फोटो है जिसका नाम है निजाम रेस्टोरेंट कोलकाता में यहां पर किस डिश का इन्वेंशन हुआ था निजाम रेस्टोरेंट है कोलकाता में यहां पर किस डिश का इन्वेंशन हुआ था नूडल समोसा कीमा कटलेट गोभी मंचूरियन कबाब रोल चलिए बिल्कुल सही कबाब रोल या कथी रोल भी बोलते हैं उसको काठी रोल या कथी रोल ठीक है कबाब रोल है इसका आंसर ओके डिशेस के बारे में पता होना चाहिए जैसे कि नोबिन चंद्रा का रसगुल्ला है ऐसा सब पता होना चाहिए किसने क्या इन्वेंट किया क्या कैसा है ठीक है ब्राउन एंड पॉलसन कस्टर्ड पाउडर ये जो है कौन सी कंपनी वो करती है मार्केट करती है यानी किसका प्रोडक्ट है नेस्ले एम टी आर आई एच देख लीजिए फिर से ब्राउन एंड पोलसन कस्टर्ड पाउडर वेनिला एम टी आर आई टी सी एच कई कई क्वेश्चन ऐसे लगे कि अरे क्या फालतू क्वेश्चन कुछ काम का नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ काम का रहता है लॉजिक रहता है उसके पीछे इसका है हिंदुस्तान हिंदुस्तान का एक और फैक्ट है यहाँ पर, जौन पर और तब से उनका नाम पड़ गया जॉनी लीवर ठीक है ओके अगला क्वेश्चन ये कंपनी को पहचानना है इसका टैगलाइन बताना है देखिए कंपनी को देखिए ये कंपनी चेक रिपब्लिक की है जो स्टेब्लिश हुई थी तो 1925 में इसका नाम बताना और इसका टैगलाइन क्या है यह है कंपनी का लोगो उसके बाद इसका टैगलाइन बताना है पर्सनल इंटरव्यू में ड्रेस मैटर करता है डार्क ड्रेस पहन के जाइए आराम से सिलेक्शन होगा टी शर्ट जीन्स टॉप ये सब मत पहन के जाओ टाटू एटू लगा के मत जाओ आराम से सिलेक्शन होगा ओके ट्रिपल एफ की कॉल आएगी पंद्रह जून के बाद से चलो इसका आंसर आएगा सिंपली क्लेवर और ये जो लोगो है ये तो सबको पता ही होगा किसका लोगो है ये किस कंपनी का लोगो है ये स्कोडा का है डी ए स्कोडा कंपनी चेक रिपब्लिक की 1925 से में बनी तो उसके लगभग अभी 100 साल पूरे होने वाले हैं ठीक है जीके की सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर सकते हैं जी प्रोवाइड कर सकते हैं <coughs> जी करेंगे चलो आगे बढ़ते हैं <coughs> ये देखो एक बहुत अच्छा स्क्रैप से बनाया गया ये है इसको ध्यान से देखिए ये किस बैंक के बाहर है ये हिंट इसकी जरूरत नहीं किस बैंक के बाहर ये स्क्रैप से बनाया गया जो पुराने कंप्यूटर से सबका कर इस्तेमाल करके ये बना दिया गया रिसाइकिल करके

एकमात्र टेम्पल बोल सकते हैं उस केरला के उस रीजन का कि जहां पर एलिफेंट की एंट्री नहीं होती हाथियों की एंट्री नहीं होती इस कारण क्यों नहीं होती इस टेम्पल में उसकी एंट्री हाथिया हाथी आसपास नहीं मंडरा सकते त्रिचंबरम मंदिर है ये कृष्ण भगवान के लिए मंदिर है ये यहां पर हाथिया अलाउ नहीं है हाथी नहीं आ सकते भगा... दिया जाता है कुछ कारण है जनरली केरला में तो आप देखिए हाथी और ये सब चीज आपस में जुड़ा लेकिन यहाँ पर भगा दिया तक कुछ खास कारण है ओके okay. चलो आंसर बता देता हूं मैं <clears throat> चलिए इसका आंसर ये है कि जब श्री कृष्ण भगवान और बलराम गए थे कंस से मिलने के लिए बुलाया गया था तो हाथियों द्वारा हमला किया गया था ठीक है इस कारण से हाथियों की एंट्री नहीं है यहां पर यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है ठीक है कंस ने हाथी भेजा था कृष्ण जी ने मारा था बिल्कुल सही इसी कारण से रमन दास जी ने बताया श्री कृष्ण वर्ष जस्ट किल कुवाल ओके रॉयल एलिफेंट इस कारण से ठीक है ओके इससे हाथी अलाउ नहीं है बिल्कुल सही चलो आगे बढ़ते हैं ओके, इनका नाम हरविलास डैश है ये बहुत फेमस जज थे जज 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 हरविलास क्या क्या सरनेम क्या होगा इनका और अभी खासकर ये करंट अफेयर से रिलेटेड है अब बहुत यूनिक चीज बताने वाला हूं मैं करंट अफेयर से कनेक्टेड है ये करंट अफेयर से कनेक्टेड जो हिस्ट्री में ऐसे ही क्वेश्चन खोजते इनकी फोटो देख लो इनकी फोटो देख लो काम आ जाएगा बिग पिक्चर के बीच से कहीं भी काम आ सकता है नमस्कार पंकज जी ओके डी इनबॉक्स का डी अनबॉक्स का आंसर सही आ गया ये है हर विलास शारदा जिसके नाम पर शारदा एक्ट है कई तो लोगों को लगता होगा शारदा कोई महिला के नाम पे है ये क्लियर करने के लिए मैं ये डाला हर शारदा जिसके नाम पर शारदा एक्ट है जो बाल विवाह के कानून का आपको पता होगा शादियों की उम्र के लिए डिसाइड किया गया था तो बनाया गया था उस समय की चौदह साल है अट्ठारह साल बाद में उसको फिर चौदह के पंद्रह फिर अट्ठारह फिर अभी इक्कीस की बात चल रही है तो ये हर विलास शारदा है ठीक है श्री हर विलास शारदा जी याद रहेगा ये ओके ठीक ओके बाल विवाह से संबंधित बिल्कुल सही शारदा चलो आगे बढ़ते हैं जब ब्रिटिशर्स आए थे भारत में उन्होंने रेलवे सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था तो उन्होंने जानबूझकर विजयवाड़ा विशाखापट्टनम राजमुंद्री भुसावल ये सब को हॉल्ट के लिए चुना हॉल्ट ने रुकने के लिए जहां पर पंद्रह बीस मिनट रुका जा सके क्या कारण था कि इन जगहों को ही खासकर चुना गया हॉल्ट के लिए ये रुकने के लिए पंद्रह बीस मिनट स्टॉपेज के लिए विजयवाड़ा विशाखापट्टनम राजमुंद्री भूसावल कुछ कारण से यहां पर रोका गया बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी एक घंटा होने को आगे है क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लगाइए कॉमन सेंस आंसर मैं कई लोगों को बता देता हूँ केबीसी और बिग पिक्चर्स रिलेटेड हमने कम से कम सात आठ आठ नौ बुक्स निकाली है वो सारा व्हाट्सएप ग्रुप में रहता है लिंक उसका वहां से आप ले सकते हो पुलिस सेफ्टी मिलिट्री बेस ओके अच्छा आंसर आ रहे हैं अच्छा ट्राई सब लोग पॉजिटिव रहिएगा केबीसी का कभी भी कॉल आ सकता है ट्रिपल एफ की अपनी तैयारी मत छोड़िएगा समुद्री तट ओके आंसर आया ठीक है इसका आंसर आएगा नदी 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 कावेरी कृष्णा नदियां ये सब नदियां, 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 नदियां। कोल के अलावा एक तो है कोल कोयला दूसरा है नदियां, नदियां पास थी इसीलिए ठीक है इस कारण से भी चुना गया ठीक है एक एक कारण है कोल कोयला की वजह से और दूसरा है नदी नदियों का कारण है ठीक है ओके चलो आगे बढ़ते हैं ये फेमस पेंटिंग है इसमें देखिए पीछे बैकग्राउंड में, बैक में ताजमहल दिख रहा है ये कौन लेटा हुआ है और किसने बनाई ये पेंटिंग इस फेमस पेंटिंग में एक बूढ़ा व्यक्ति है एक महिला है और पीछे ताजमहल दिख रहा है बैकग्राउंड में किसने बनाई ये पेंटिंग चलिए व्यक्ति तो शाहजहां है बिल्कुल सही ये व्यक्ति शाहजहां है बिल्कुल सही बात है ओके पेंटिंग बनाई थी अविंद्रनाथ टैगोर ने जिन्होंने भारत माता की भी पेंटिंग बनाई है द पासिंग ऑफ शाहजहां है इस पेंटिंग का नाम और नाथ टाइगोर ने बनाई थी ये पेंटिंग दाशिंग ऑफ शाहजहां शाहजहां की मृत्यु हो गई है और अबिर टैगोर ने बनाया था बिल्कुल सही अबिर टैगोर ओके हाँ पंकज जी आप ग्राउंड ऑडिशन जी जी ऐसा होता है उम्मीद नहीं रहती और उम्मीद हो जाती है अपन पहुंच जाते हैं ऑडिशन देने बिल्कुल कॉल आएगा आप ऑडिशन देने गए और अच्छा हुआ है ऑडिशन बहुत अच्छी नहीं है आराम से हो जाएगा पंकज जी टेंशन मत लीजिएगा ओके चलो आगे बढ़ते हैं आ, थोड़ा सा धुंधला इमेज यहाँ पर कोई फेमस व्यक्ति का जन्म हुआ था नोबल प्राइज विनर बोल सकते हैं नोबल प्राइज विनर ये उसका घर है बंगला है ऐसे क्वेश्चन आ सकते हो कि जिन लोगों को KBC के की कॉल नहीं आई हो बिग पिक्चर की तैयारी करें कभी भी बिग पिक्चर का भी स्टार्टिंग हो सकता है और इवन के के सेकंड लाइंस भी खुल सकती हैं ठीक है थीके? चलो इसका आंसर एक ने सही दिया सर्वेश लोनारे जी ने सही दिया ये रूडियार्ट किपलिंग का बर्थ प्लेस है रुडियार्ट किपलिंग जहां पर उनका जन्म हुआ मुंबई में वहां का ठीक है रुडियाड किपलिंग ठीक है ओके याद रखेंगे मुंबई में रूडियार्ट किपलिंग ठीक अरे ऐसा हो कभी सही आंसर है किपलिंग चलो आगे बढ़ते हैं ये थॉमस रॉबर्ट माल्थस है जिनके नाम पर माल्थुसनियाजम नाम की एक है ये थ्योरी जुड़ी हुई है ओवर पॉपुलेशन से रिलेटेड अब इस थ्योरी का क्या कनेक्शन है एक पॉपुलर मूवी से बताइए थॉमस रॉबर्ट मैल्थस इनकी एक थ्योरी थी मैल्थस यानी कि ये बोलते थे अगर ओवर पॉपुलेशन हो गया है तो क्या सोल्यूशन हो सकता है पृथ्वी को बचाने का उस थ्योरी का इस्तेमाल करके एक बहुत फेमस मूवी बनी हॉलीवुड की इसलिए मैं डाल दिया कई लोगों को नहीं पता है कि वो मूवी के पीछे का कॉन्सेप्ट यहाँ से है जी पूजा जी आप मुझे कांटेक्ट करिएगा व्हाट्सएप पे यहाँ में भी मैं नहीं बता सकता ग्राउंड ऑडिशन का आप जो पूछ रहे हैं बुकलेट वाला वो मैं आपको बता दूंगा कॉल पर ठीक है व्हाट्सएप में हम बता देंगे थॉमस रॉबर्ट मैल्थस मैं कांटेक्ट नंबर यहाँ पर मैं डाल दिया हूँ तो नोट कर लीजिएगा ठीक है ओके okay. <coughs> बहुत फेमस मूवी मालतेस का जनसंख्या सिद्धांत सब भूल गए लग रहा है एवेंजर्स एवेंजर्स मूवी आधी पॉपुलेशन को खत्म कर देना मूवी इतना आप लोग सब देखे हो कैसे नहीं देखे एवेंजर्स मूवी का कॉन्सेप्ट एंड गेम एवेंजर्स द वॉर एंड गेम कौन फॉलो किया था उसको हॉलीवुड मूवी मैंने हिंट दिया अब ध्यान रखेंगे प्लीज कभी कभी इसके बारे में भी पूछ सकते हैं एवेंजर्स थेनोस आधा पॉपुलेशन को निपटा दो कुछ लोग ये बोलते हैं कि जो कोरोना वायरस आया कोविड आया है वो भी उसी कारण से आया है कि आधी पॉपुलेशन निपटा दी जाए तो धरती की जो समस्याएं हैं पर्यावरण जलवायु प्रदूषण वो सब खत्म हो जाएगा एवेंजर्स याद रखेंगे एवेंजर्स एवेंजर्स थॉमस रॉबर्ट मल्थुस ओके ठीक है एवेंजर्स मूवी का कॉन्सेप्ट यही था ठीक है ओके okay. चलो लास्ट क्वेश्चन एलिस बोनर नाम के स्विस आर्टिस्ट और स्कल्प्टर हैं यानी कि स्विट्जरलैंड के रहने वाली एक मूर्तिकार है उनका नाम एक ऐसी जगह पर लिखा गया है जहां पर किसी फॉरेनर का नाम नहीं रहता जनरली वो एक फॉरेनर लिस्ट में समझ लीजिए पहला नाम जैसे कि दिल्ली गेट दिल्ली में आपको पता है इंडिया गेट में एक फॉरेनर का नाम है नर्स का नाम है ऑस्ट्रेलिया की है. वो वैसी किसी खास जगह पर इस एलिस बोनर का नाम लिखा गया है वो कौन सी जगह है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा फिर हम लोग करेंगे गुड नाइट ओके एलिस बोनर स्विस पेंटर थी आर्टिस्ट थी ओके स्विट्जरलैंड की थी और उनको पद्म भूषण भी मिला है ठीक है ये भी मैं बता देता हूं मैं बिल्कुल सही डी एन बॉक्स अस्सी घाट जो वाराणसी में अस्सी घाट है वाराणसी कहा जाता है वरन और अस्सी दो नदियों का संगम अस्सी घाट में इनका नाम है अस्सी घाट में ठीक है वाराणसी का ठीक है अस्सी घाट एलिस बोनर ठीक ओके ठीक है ओके तो हम लोग करते हैं अभी इसको खत्म गुड नाइट अस्सी घाट था इसका आंसर ओके और जिसको बुक के बारे में पूछना होगा ये मैं है कमेंट कर सकते हैं ठीक कांटेक्ट कर सकते हैं ओके गुड नाइट टेक केयर जाने से पहले स्क्रीन अपना अंधेरा कायम रहे लाइट कम है यहाँ थैंक यू गुड नाइट टेक केयर बाय बाय ओके okay, बाय बिजली बचाना है ना ओके बाय टेक केयर गुड नाइट चालीस में सिर्फ चार लाइक <laughs> चलो बाय गुड नाइट